और अब खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां एक दलित परिवार ने पुलिस प्रशासन को धमकी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। आरोप है कि गांव के दबंगों ने उनके घरों पर कब्जा कर लिया है और अब मारपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले संतोष कुमार अपने परिवार सहित न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। संतोष कुमार का आरोप है कि तेंदुआ गांव के दबंगों ने न सिर्फ उनके 5 घरों पर कब्जा कर लिया है बल्कि अब उनकी जमीन भी हथियाना चाहते हैं। संतोष कुमार दलित समुदाय से हैं और उनका ये भी इल्जाम है कि आए दिन मौका पाकर ऊंची जाति के लोग परिवार की महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। जब इनकी शिकायत पर थाना स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्हें जिला मुख्यालय में ASP और ADM को प्रार्थना पत्र देकर ये कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हिंदू धर्म का त्याग करेंगे। जी वो काफी हम परेशान हैं, अगर ये जो है हमारे दबंग आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो हम पूरे दलित परिवार, अपने परिवार 24 लोग हैं, हम धर्म परिवर्तन कर देंगे। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, हम आज क्या हम आपके हाथ में हम आप क्या कर लेंगे जो हमारी सुनाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर भी इतना दुख नहीं पड़ा जितने हमारे पर संत राम लालू ने और सबको पूरे परिवार ने माला है उनको। पुलिस के रवैये से पूरा बांदा के तेंदुआ गांव का पूरा दलित समाज नाराज है। आरोप है कि पुलिस ने उनकी मदद करने के बदले आरोपियों को छोड़ दिया और उल्टा उनसे एक शिकायत हमारे खिलाफ लिखवा दी। संतोष कुमार की धमकी से सकते में आए पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में जांच टीम गठित कर दी है। ASP साहब ने आज तक से कहा कि इस मामले में जांच से सब कुछ साफ होगा और न्याय जरूर मिलेगा। इस संबंध में आवेदिका और उसके परिवार के लोग आए हुए थे और इनके प्रार्थना पत्र को जांच करके कार्रवाई करने के लिए मैंने संबंधित क्षेत्र अधिकारी। ये खबर योगी सरकार के लिए भी अहम है जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस मामले में ये दावा कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। भरपाई तभी होगी जब दलित परिवार को इंसाफ और आरोपियों को सजा होगी। अजय सिंह चौहान, बांदा, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।